अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ एहराम जो के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है तो वो लोग हमारे चैनल पर गए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो अपडेट आप तक पहुँचती है। जैसा कि हमने एपिसोड में देखा कि अब शानजे शानी की शादी हो चुकी है। शानजे शानी को कहती है कि शानी तुम्हारा मेरे साथ होना इस बात की निशानी है कि प्यार अपनापन जो है वो अपनवा लेता है, क्योंकि हम सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हमारी शादी हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ पाकर अपनी पूरी ज़िंदगी हमेशा खुश रहूँगी और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस हो रही है। इसके बाद शानी जो है वो सजीला को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि सजीला अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन हो गया होगा, क्योंकि तुमने जो जो कुछ कहा है मैंने सब किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर, और ये शानजे से शादी भी सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर की है, लेकिन मैं वो कभी नहीं भूलूँगा जो तुमने मेरे साथ किया है, तुमने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। भी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन सजीला जानती है कि अगर शानी जो है वो शानजे से शादी ना करता तो उसे हमेशा गरीबों वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, क्योंकि ये सब आसाइशें जो हैं वो शानजे की दी हुई हैं। इसीलिए सजीला शानी को मुबारकबाद देती है और फ़ोन बंद कर देती है। इसके बाद शानी जो है वो शानजे को कहता है कि आपने मुझे जिस जगह पर बैठा दिया है मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ, आप ये मुझे आप सब ने जो है ये जानकर किया है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ, मेरी और आपकी शादी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी, लेकिन फिर भी हो गई है। शादी के अगले दिन जब शानी की माँ शानी से मिलने आती है तो शानी को कहती है कि शानी मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरी सारी गलतियों की सज़ा मुझे इतनी बड़ी दोगे और तुम मुझसे दूर हो जाओगे, जिस पर शानी कहता है कि माँ गलतियों की सज़ा तो मैं भुगत रहा हूँ और वो भी अपनी के खुद गर्जों की, क्योंकि मेरे अपने ही इतने खुद गर्ज हो चुके हैं कि वो पैसों की लालच में मुझे खुद से दूर कर लिया है, अब मैं उनके पास दोबारा कैसे जाऊँगा। उसकी माँ कहती है कि ऐसा मत कहो शानी, लेकिन शानी कहता है कि माँ ऐसा ही है, मैंने दूसरों की परवाह करते करते अपनी परवाह खो दी है, इसीलिए मैं आज इस नतीजे पर, और कहता है कि माँ ये सब कुछ मैंने आपकी खातर तो किया है, आपकी आसाइशों की खातर, आपके रहने की खातर, इस घर की खातिर, कारोबार की खातर, इसीलिए तो मैंने शांति से शादी की है, क्योंकि ताकि ये सब कुछ आप लोगों के पास रह सके, और ये सब बातें जो है वो शानजे सुन लेती है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एहराम जो के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है तो वो लोग हमारे चैनल पर गए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो अपडेट आप तक पहुँचती है। जैसा कि हमने एपिसोड में देखा कि अब शानजे और शानी की शादी हो चुकी है। शानजे शानी को कहती है कि शानी तुम्हारा मेरे साथ होना इस बात की निशानी है कि प्यार अपनापन जो है वो अपनवा लेता है, क्योंकि हम सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हमारी शादी हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ पाकर अपनी पूरी ज़िंदगी हमेशा खुश रहूँगी और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस हो रही है। इसके बाद शानी जो है वो सजीला को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि सजीला अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन हो गया होगा, क्योंकि तुमने जो जो कुछ कहा है मैंने सब किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर, और ये शानजे से शादी भी सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर की है, लेकिन मैं वो कभी नहीं भूलूँगा जो तुमने मेरे साथ किया है, तुमने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। भी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन सजीला जानती है कि अगर शानी जो है वो शानजे से शादी ना करता तो उसे हमेशा गरीबों वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, क्योंकि ये सब आसाइशें जो हैं वो शानजे की दी हुई हैं। इसीलिए सजीला शानी को मुबारकबाद देती है और फ़ोन बंद कर देती है। इसके बाद शानी जो है वो शानजे को कहता है कि आपने मुझे जिस जगह पर बैठा दिया है मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ, आप ये मुझे आप सब ने जो है ये जानकर किया है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ, मेरी और आपकी शादी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी, लेकिन फिर भी हो गई है। शादी के अगले दिन जब शानी की माँ शानी से मिलने आती है तो शानी को कहती है कि शानी मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरी सारी गलतियों की सज़ा मुझे इतनी बड़ी दोगे और तुम मुझसे दूर हो जाओगे, जिस पर शानी कहता है कि माँ गलतियों की सज़ा तो मैं भुगत रहा हूँ और वो भी अपनी के खुद गर्जों की, क्योंकि मेरे अपने ही इतने खुद गर्ज हो चुके हैं कि वो पैसों की लालच में मुझे खुद से दूर कर लिया है, अब मैं उनके पास दोबारा कैसे जाऊँगा। उसकी माँ कहती है कि ऐसा मत कहो शानी, लेकिन शानी कहता है कि माँ ऐसा ही है, मैंने दूसरों की परवाह करते करते अपनी परवाह खो दी है,
इसीलिए मैं आज इस नतीजे और कहता है कि माँ ये सब कुछ मैंने आपकी खातर तो किया है, आपके आशाइशों की खातर, आपके रहने की खातर, इस घर की खातिर, कारोबार की खातर, इसीलिए तो मैंने शांति से शादी की है, क्योंकि ताकि ये सब कुछ आप लोगों के पास रह सके और ये सब बातें जो है वो शांति सुन लेती है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अहराम जो के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है तो वो लोग जो हमारे चैनल पर गए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हमने एपिसोड में देखा कि अब शांति और शानी की शादी हो चुकी है। शांति शानी को कहती है कि शानी तुम्हारा मेरे साथ होना इस बात की निशानी है कि प्यार अपनापन जो है वो अपनवा लेता है, क्योंकि हम सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हमारी शादी हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ पाकर अपनी पूरी ज़िंदगी हमेशा खुश रहूँगी और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस हो रही है। इसके बाद शानी जो है वो सजीला को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि सजीला अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन हो गया होगा, क्योंकि तुमने जो जो कुछ कहा है मैंने सब किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर, और ये शांति से शादी भी सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर की है, लेकिन मैं वो कभी नहीं भूलूँगा जो तुमने मेरे साथ किया है, तुमने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। भी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन सजीला जानती है कि अगर शानी जो है वो शांति से शादी ना करता तो उसे हमेशा गरीबों वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, क्योंकि ये सब आसाइशें जो हैं वो शांति की दी हुई हैं। इसीलिए सजीला शानी को मुबारकबाद देती है और फ़ोन बंद कर देती है। इसके बाद शानी जो है वो शांति को कहता है कि आपने मुझे जिस जगह पर बैठा दिया है मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ, आप ये मुझे आप सब ने जो है ये जानकर किया है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ, मेरी और आपकी शादी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी, लेकिन फिर भी हो गई है। शादी के अगले दिन जब शानी की माँ शानी से मिलने आती है तो शानी को कहती है कि शानी मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरी सारी गलतियों की सज़ा मुझे इतनी बड़ी दोगे और तुम मुझसे दूर हो जाओगे, जिस पर शानी कहता है कि माँ गलतियों की सज़ा तो मैं भुगत रहा हूँ और वो भी अपनी के खुद गर्जों की, क्योंकि मेरे अपने ही इतने खुद गर्ज हो चुके हैं कि वो पैसों की लालच में मुझे खुद से दूर कर लिया है, अब मैं उनके पास दोबारा कैसे जाऊंगा। उसकी माँ कहती है कि ऐसा मत कहो शानी, लेकिन शानी कहता है कि माँ ऐसा ही है, मैंने दूसरों की परवाह करते करते अपनी परवाह खो दी है, इसीलिए मैं आज इस नतीजे और कहता है कि माँ ये सब कुछ मैंने आपकी खातर तो किया है, आपकी आशाइशों की खातर, आपके रहने की खातर, इस घर की खातिर, कारोबार की खातर, इसीलिए तो मैंने शांति से शादी की है, क्योंकि ताकि ये सब कुछ आप लोगों के पास रह सके और ये सब बातें जो है वो शांति सुन लेती है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अहराम जो के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है तो वो लोग जो हमारे चैनल पर गए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हमने एपिसोड में देखा कि अब शांति और शानी की शादी हो चुकी है। शांति शानी को कहती है कि शानी तुम्हारा मेरे साथ होना इस बात की निशानी है कि प्यार अपनापन जो है वो अपनवा लेता है, क्योंकि हम सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हमारी शादी हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ पाकर अपनी पूरी ज़िंदगी हमेशा खुश रहूँगी और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस हो रही है। इसके बाद शानी जो है वो सजीला को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि सजीला अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन हो गया होगा, क्योंकि तुमने जो जो कुछ कहा है मैंने सब किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर, और ये शांति से शादी भी सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर की है, लेकिन मैं वो कभी नहीं भूलूँगा जो तुमने मेरे साथ किया है, तुमने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। भी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन सजीला जानती है कि अगर शानी जो है वो शांति से शादी ना करता तो उसे हमेशा गरीबों वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, क्योंकि ये सब आसाइशें जो हैं वो शांति की दी हुई हैं। इसीलिए सजीला शानी को मुबारकबाद देती है और फ़ोन बंद कर देती है। इसके बाद शानी जो है वो शांति को कहता है कि आपने मुझे जिस जगह पर बैठा दिया है मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ, आप ये मुझे आप सब ने जो है ये जानकर किया है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ, मेरी और आपकी शादी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी, लेकिन फिर भी हो गई है। शादी के अगले दिन जब शानी की माँ शानी से मिलने आती है तो शानी को कहती है कि शानी मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरी सारी गलतियों की सज़ा मुझे इतनी बड़ी दोगे और तुम मुझसे दूर हो जाओगे, जिस पर शानी कहता है कि माँ गलतियों की सज़ा तो मैं भुगत रहा हूँ और वो भी अपनी
के खुद गर्जों के, क्योंकि मेरे अपने ही इतने खुद गर्ज हो चुके हैं कि वो पैसों की लालच में मुझे खुद से दूर कर लिया है। अब मैं उनके पास दोबारा कैसे जाऊँगा? उसकी माँ कहती है कि ऐसा मत कहो शानी, लेकिन शानी कहता है कि माँ ऐसा ही है, मैंने दूसरों की परवाह करते करते अपनी परवाह खो दी है, इसीलिए मैं आज इस नतीजे पर। और कहता है कि माँ ये सब कुछ मैंने आपकी खातर तो किया है, आपकी आसाइशों की खातर, आपके रहने की खातर, इस घर की खातिर, कारोबार की खातर, इसीलिए तो मैंने शांति से शादी की है, क्योंकि ताकि ये सब कुछ आप लोगों के पास रह सके। और ये सब बातें जो है वो शांति सुन लेती है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अहराम जो के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, तो वो लोग जो हमारे चैनल पर गए हैं आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हमने एपिसोड में देखा कि अब शानजे शानी की शादी हो चुकी है। शानजे शानी को कहती है कि शानी तुम्हारा मेरे साथ होना इस बात की निशानी है कि प्यार अपनापन जो है वो अपनवा लेता है, क्योंकि हम सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हमारी शादी हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ पाकर अपनी पूरी ज़िंदगी हमेशा खुश रहूँगी, और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस हो रही है। इसके बाद शानी जो है वो सजीला को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि सजीला अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन हो गया होगा, क्योंकि तुमने जो जो कुछ कहा है मैंने सब किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर, और ये शांति से शादी भी सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर की है, लेकिन मैं वो कभी नहीं भूलूँगा जो तुमने मेरे साथ किया है, तुमने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। वे इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन सजीला जानती है कि अगर शानी जो है वो शांति से शादी ना करता तो उसे हमेशा गरीबों वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, क्योंकि ये सब आसाइशें जो हैं वो शांति की दी हुई हैं। इसीलिए सजीला शानी को मुबारकबाद देती है और फ़ोन बंद कर देती है। इसके बाद शानी जो है वो शांति को कहता है कि आपने मुझे जिस जगह पर बैठा दिया है मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ, आप ये मुझे आप सब ने जो है ये जानकर किया है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ, मेरी और आपकी शादी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी, लेकिन फिर भी हो गई है। शादी के अगले दिन जब शानी की माँ शानी से मिलने आती है तो शानी को कहती है कि शानी मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरी सारी गलतियों की सज़ा मुझे इतनी बड़ी दोगे और तुम मुझसे दूर हो जाओगे, जिस पर शानी कहता है कि माँ गलतियों की सज़ा तो मैं भुगत रहा हूँ और वो भी अपनी के खुद गर्जों की, क्योंकि मेरे अपने ही इतने खुद गर्ज हो चुके हैं कि वो पैसों की लालच में मुझे खुद से दूर कर लिया है, अब मैं उनके पास दोबारा कैसे जाऊँगा। उसकी माँ कहती है कि ऐसा मत कहो शानी, लेकिन शानी कहता है कि माँ ऐसा ही है, मैंने दूसरों की परवाह करते करते अपनी परवाह खो दी है, इसीलिए मैं आज इस नतीजे पर। और कहता है कि माँ ये सब कुछ मैंने आपकी खातर तो किया है, आपकी आसाइशों की खातर, आपके रहने की खातर, इस घर की खातिर, कारोबार की खातर, इसीलिए तो मैंने शांति से शादी की है, क्योंकि ताकि ये सब कुछ आप लोगों के पास रह सके। और ये सब बातें जो है वो शांति सुन लेती है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अहराम जो के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, तो वो लोग जो हमारे चैनल पर गए हैं आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हमने एपिसोड में देखा कि अब शानजे शानी की शादी हो चुकी है। शानजे शानी को कहती है कि शानी तुम्हारा मेरे साथ होना इस बात की निशानी है कि प्यार अपनापन जो है वो अपनवा लेता है, क्योंकि हम सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हमारी शादी हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ पाकर अपनी पूरी ज़िंदगी हमेशा खुश रहूँगी, और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस हो रही है। इसके बाद शानी जो है वो सजीला को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि सजीला अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन हो गया होगा, क्योंकि तुमने जो जो कुछ कहा है मैंने सब किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर, और ये शांति से शादी भी सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर की है, लेकिन मैं वो कभी नहीं भूलूँगा जो तुमने मेरे साथ किया है, तुमने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। वे इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन सजीला जानती है कि अगर शानी जो है वो शांति से शादी ना करता तो उसे हमेशा गरीबों वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, क्योंकि ये सब आसाइशें जो हैं वो शानी की दी हुई हैं। इसीलिए सजीला शानी को मुबारकबाद देती है और फ़ोन बंद कर देती है। इसके बाद शानी जो है वो शानी को कहता है कि आपने मुझे जिस जगह पर बैठा दिया है मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ, आप ये मुझे आप सब ने जो है ये जानकर किया है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ, मेरी और आपकी शादी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी, लेकिन फिर भी हो गई है। शादी के अगले दिन जब शानी की माँ शानी से मिलने आती है तो शानी को कहती है
फिर शानी मैन भी जानती थी कि तुम मेरी सारी गलतियों की सज़ा मुझे इसमें भरी दोगे और तुम मुझे दूर बहुत जाओगे। जिस पर शानी कहता है कि माँ गलतियों की सज़ा तो मैं भुगत रहा हूँ और वो भी अपनी के खुद गर्जों की, क्योंकि मेरे अपने ही इतने खुद गर्ज हो चुके हैं कि वो पैसों की लालच में मुझे खुद से दूर कर लिया है, अब मैं उनके पास दोबारा कैसे जाऊँगा। उसकी माँ कहती है कि ऐसा मत कहो शानी, लेकिन शानी कहता है कि माँ ऐसा ही है, मैंने दूसरों की परवाह करते करते अपनी परवाह खो दी है, इसीलिए मैं आज इस नतीजे पर। और कहता है कि माँ ये सब कुछ मैंने आपकी खातर तो किया है, आपकी आसाइशों की खातर, आपके रहने की खातर, इस घर की खातिर, कारोबार की खातर, इसीलिए तो मैंने शांति से शादी की है, क्योंकि ताकि ये सब कुछ आप लोगों के पास रह सके। और ये सब बातें जो है वो शांति सुन लेती है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अहराम जो के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, तो वो लोग जो हमारे चैनल पर गए हैं आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हमने एपिसोड में देखा कि अब शानजे शानी की शादी हो चुकी है। शानजे शानी को कहती है कि शानी तुम्हारा मेरे साथ होना इस बात की निशानी है कि प्यार अपनापन जो है वो अपनवा लेता है, क्योंकि हम सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हमारी शादी हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ पाकर अपनी पूरी ज़िंदगी हमेशा खुश रहूँगी और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस हो रही है। इसके बाद शानी जो है वो सजीला को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि सजीला अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन हो गया होगा, क्योंकि तुमने जो जो कुछ कहा है मैंने सब किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर, और ये शांति से शादी भी सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर की है, लेकिन मैं वो कभी नहीं भूलूँगा जो तुमने मेरे साथ किया है, तुमने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। वे इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन सजीला जानती है कि अगर शानी जो है वो शांति से शादी ना करता तो उसे हमेशा गरीबों वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, क्योंकि ये सब आसाइशें जो हैं वो शांति की दी हुई हैं। इसीलिए सजीला शानी को मुबारकबाद देती है और फ़ोन बंद कर देती है। इसके बाद शानी जो है वो शानजी को कहता है कि आपने मुझे जिस जगह पर बैठा दिया है मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ, आप ये मुझे आप सब ने जो है ये जानकर किया है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ, मेरी और आपकी शादी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी, लेकिन फिर भी हो गई है। शादी के अगले दिन जब शानी की माँ शानी से मिलने आती है तो शानी को कहती है कि शानी मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरी सारी गलतियों की सज़ा मुझे इसमें भरी दोगे और तुम मुझसे दूर बहुत जाओगे। जिस पर शानी कहता है कि माँ गलतियों की सज़ा तो मैं भुगत रहा हूँ और वो भी अपनी के खुद गर्जों की, क्योंकि मेरे अपने ही इतने खुद गर्ज हो चुके हैं कि वो पैसों की लालच में मुझे खुद से दूर कर लिया है, अब मैं उनके पास दोबारा कैसे जाऊँगा। उसकी माँ कहती है कि ऐसा मत कहो शानी, लेकिन शानी कहता है कि माँ ऐसा ही है, मैंने दूसरों की परवाह करते करते अपनी परवाह खो दी है, इसीलिए मैं आज इस नतीजे पर। और कहता है कि माँ ये सब कुछ मैंने आपकी खातर तो किया है, आपकी आसाइशों की खातर, आपके रहने की खातर, इस घर की खातिर, कारोबार की खातर, इसीलिए तो मैंने शांति से शादी की है, क्योंकि ताकि ये सब कुछ आप लोगों के पास रह सके। और ये सब बातें जो है वो शानदार सुन लेती है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अहराम जो के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। के आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है, तो वो लोग जो हमारे चैनल पर गए हैं आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हमने एपिसोड में देखा कि अब शानजे शानी की शादी हो चुकी है। शानजे शानी को कहती है कि शानी तुम्हारा मेरे साथ होना इस बात की निशानी है कि प्यार अपनापन जो है वो अपनवा लेता है, क्योंकि हम सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हमारी शादी हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ पाकर अपनी पूरी ज़िंदगी हमेशा खुश रहूँगी और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस हो रही है। इसके बाद शानी जो है वो सजीला को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि सजीला अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन हो गया होगा, क्योंकि तुमने जो जो कुछ कहा है मैंने सब किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर, और ये शानी से शादी भी सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर की है, लेकिन मैं वो कभी नहीं भूलूँगा जो तुमने मेरे साथ किया है, तुमने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। वे इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन सजीला जानती है कि अगर शानी जो है वो शांति से शादी ना करता तो उसे हमेशा गरीबों वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, क्योंकि ये सब आसाइशें जो हैं वो शानी की दी हुई हैं। इसीलिए सजीला शानी को मुबारकबाद देती है और फ़ोन बंद कर देती है। इसके बाद शानी जो है वो शानी को कहता है कि आपने मुझे जिस जगह पर बैठा दिया है मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ, आप ये मुझे आप सब ने
जो है ये जानकर किया है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ। मेरी और आपकी शादी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी, लेकिन फिर भी हो गई है। शादी के अगले दिन जब शानी की माँ शानी से मिलने आती है तो शानी को कहती है कि शानी, मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरी सारी गलतियों की सज़ा मुझे इसमें भरी दोगे और तुम मुझसे दूर हो जाओगे। जिस पर शानी कहता है कि माँ, गलतियों की सज़ा तो मैं भुगत रहा हूँ और वो भी अपनी के खुद गर्जों की, क्योंकि मेरे अपने ही इतने खुद गर्ज हो चुके हैं कि वो पैसों की लालच में मुझे खुद से दूर कर लिया है, अब मैं उनके पास दोबारा कैसे जाऊँगा। उसकी माँ कहती है कि ऐसा मत कहो शानी, लेकिन शानी कहता है कि माँ ऐसा ही है, मैंने दूसरों की परवाह करते करते अपनी परवाह खो दी है, इसीलिए मैं आज इस नतीजे। और कहता है कि माँ, ये सब कुछ मैंने आपकी खातर तो किया है, आपकी आसाइशों की खातर, आपके रहने की खातर, एक घर की खातिर, कारोबार की खातर, इसीलिए तो मैंने शांति से शादी की है, क्योंकि ताकि ये सब कुछ आप लोगों के पास रह सके। और ये सब बातें जो है वो शांति सुन लेती है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अहराम जो के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, तो वो लोग जो हमारे चैनल पर गए हैं आई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हमने एपिसोड में देखा कि अब शानजे और शानी की शादी हो चुकी है। शानजे शानी को कहती है कि शानी, तुम्हारा मेरे साथ होना इस बात की निशानी है कि प्यार अपनापन जो है वो अपनवा लेता है, क्योंकि हम सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हमारी शादी हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ पाकर अपनी पूरी ज़िंदगी हमेशा खुश रहूँगी और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस हो रही है। इसके बाद शानी जो है वो सजीला को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि सजीला, अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन हो गया होगा, क्योंकि तुमने जो जो कुछ कहा है मैंने सब किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर, और ये शांति से शादी भी सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर की है, लेकिन मैं वो कभी नहीं भूलूँगा जो तुमने मेरे साथ किया है, तुमने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन सजीला जानती है कि अगर शानी जो है वो शांति से शादी ना करता तो उसे हमेशा गरीबों वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, क्योंकि ये सब आसाइशें जो हैं वो शांति की दी हुई हैं। इसीलिए सजीला शानी को मुबारकबाद देती है और फ़ोन बंद कर देती है। इसके बाद शानी जो है वो शांति को कहता है कि आपने मुझे जिस जगह पर बैठा दिया है मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ, आप ये मुझे आप सब ने जो है ये जानकर किया है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ। मेरी और आपकी शादी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी, लेकिन फिर भी हो गई है। शादी के अगले दिन जब शानी की माँ शानी से मिलने आती है तो शानी को कहती है कि शानी, मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरी सारी गलतियों की सज़ा मुझे इसमें भरी दोगे और तुम मुझसे दूर हो जाओगे। जिस पर शानी कहता है कि माँ, गलतियों की सज़ा तो मैं भुगत रहा हूँ और वो भी अपनी के खुद गर्जों की, क्योंकि मेरे अपने ही इतने खुद गर्ज हो चुके हैं कि वो पैसों की लालच में मुझे खुद से दूर कर लिया है, अब मैं उनके पास दोबारा कैसे जाऊंगा। उसकी माँ कहती है कि ऐसा मत कहो शानी, लेकिन शानी कहता है कि माँ ऐसा ही है, मैंने दूसरों की परवाह करते करते अपनी परवाह खो दी है, इसीलिए मैं आज इस नतीजे। और कहता है कि माँ, ये सब कुछ मैंने आपकी खातर तो किया है, आपकी आसाइशों की खातर, आपके रहने की खातर, एक घर की खातिर, कारोबार की खातर, इसीलिए तो मैंने शांति से शादी की है, क्योंकि ताकि ये सब कुछ आप लोगों के पास रह सके। और ये सब बातें जो है वो शानी सुन लेती है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अहराम जो के आने वाले एपिसोड का रिव्यू। के आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, तो वो लोग जो हमारे चैनल पर गए हैं आई चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हमने एपिसोड में देखा कि अब शानी और शानी की शादी हो चुकी है। शानी शानी को कहती है कि शानी, तुम्हारा मेरे साथ होना इस बात की निशानी है कि प्यार अपनापन जो है वो अपनवा लेता है, क्योंकि हम सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हमारी शादी हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ पाकर अपनी पूरी ज़िंदगी हमेशा खुश रहूँगी और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस हो रही है। इसके बाद शानी जो है वो सजीला को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि सजीला, अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन हो गया होगा, क्योंकि तुमने जो जो कुछ कहा है मैंने सब किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर, और ये शानी से शादी भी सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर की है, लेकिन मैं वो कभी नहीं भूलूँगा जो तुमने मेरे साथ किया है, तुमने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया है।
भी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन सजीला जानती है कि अगर शानी जो है वो शांति से शादी ना करता तो उसे हमेशा गरीबों वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, क्योंकि ये सब आसाइशें जो हैं वो शांति की दी हुई हैं। इसीलिए सजीला शानी को मुबारकबाद देती है और फ़ोन बंद कर देती है। इसके बाद शानी जो है वो शांति को कहता है कि आपने मुझे जिस जगह पर बैठा दिया है मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ, आप ये मुझे आप सब ने जो है ये जानकर किया है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ। मेरी और आपकी शादी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी, लेकिन फिर भी हो गई है। शादी के अगले दिन जब शानी की माँ शानी से मिलने आती है तो शानी को कहती है कि शानी मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरी सारी गलतियों की सज़ा मुझे इसमें भरी दोगे और तुम मुझसे दूर हो जाओगे। जिस पर शानी कहता है कि माँ गलतियों की सज़ा तो मैं भुगत रहा हूँ और वो भी अपनी के खुद गर्जों की, क्योंकि मेरे अपने ही इतने खुद गर्ज हो चुके हैं कि वो पैसों की लालच में मुझे खुद से दूर कर लिया है, अब मैं उनके पास दोबारा कैसे जाऊँगा। उसकी माँ कहती है कि ऐसा मत कहो शानी, लेकिन शानी कहता है कि माँ ऐसा ही है, मैंने दूसरों की परवाह करते करते अपनी परवाह खो दी है, इसीलिए मैं आज इस नतीजे पर। और कहता है कि माँ ये सब कुछ मैंने आपकी खातर तो किया है, आपकी आसाइशों की खातर, आपके रहने की खातर, एक घर की खातिर, कारोबार की खातर, इसीलिए तो मैंने शांति से शादी की है, क्योंकि ताकि ये सब कुछ आप लोगों के पास रह सके। और ये सब बातें जो है वो शांति सुन लेती है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अहराम जो के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है तो वो लोग जो हमारे चैनल पर गए हैं आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हमने एपिसोड में देखा कि अब शांति और शानी की शादी हो चुकी है। शांति शानी को कहती है कि शानी तुम्हारा मेरे साथ होना इस बात की निशानी है कि प्यार अपनापन जो है वो अपनवा लेता है, क्योंकि हम सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती थी तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हमारी शादी हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ पाकर अपनी पूरी ज़िंदगी हमेशा खुश रहूँगी और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस हो रही है। इसके बाद शानी जो है वो सजीला को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि सजीला अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन हो गया होगा, क्योंकि तुमने जो जो कुछ कहा है मैंने सब किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर, और ये शांति से शादी भी सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर की है, लेकिन मैं वो कभी नहीं भूलूँगा जो तुमने मेरे साथ किया है, तुमने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। भी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन सजीला जानती है कि अगर शानी जो है वो शांति से शादी ना करता तो उसे हमेशा गरीबों वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, क्योंकि ये सब आसाइशें जो हैं वो शांति की दी हुई हैं। इसीलिए सजीला शानी को मुबारकबाद देती है और फ़ोन बंद कर देती है। इसके बाद शानी जो है वो शांति को कहता है कि आपने मुझे जिस जगह पर बैठा दिया है मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ, आप ये मुझे आप सब ने जो है ये जानकर किया है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ। मेरी और आपकी शादी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी, लेकिन फिर भी हो गई है। शादी के अगले दिन जब शानी की माँ शानी से मिलने आती है तो शानी को कहती है कि शानी मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरी सारी गलतियों की सज़ा मुझे इसमें भरी दोगे और तुम मुझसे दूर हो जाओगे। जिस पर शानी कहता है कि माँ गलतियों की सज़ा तो मैं भुगत रहा हूँ और वो भी अपनी के खुद गर्जों की, क्योंकि मेरे अपने ही इतने खुद गर्ज हो चुके हैं कि वो पैसों की लालच में मुझे खुद से दूर कर लिया है, अब मैं उनके पास दोबारा कैसे जाऊँगा। उसकी माँ कहती है कि ऐसा मत कहो शानी, लेकिन शानी कहता है कि माँ ऐसा ही है, मैंने दूसरों की परवाह करते करते अपनी परवाह खो दी है, इसीलिए मैं आज इस नतीजे पर। और कहता है कि माँ ये सब कुछ मैंने आपकी खातर तो किया है, आपकी आसाइशों की खातर, आपके रहने की खातर, एक घर की खातिर, कारोबार की खातर, इसीलिए तो मैंने शांति से शादी की है, क्योंकि ताकि ये सब कुछ आप लोगों के पास रह सके। और ये सब बातें जो है वो शांति सुन लेती है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अहराम जो के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है तो वो लोग जो हमारे चैनल पर गए हैं आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हमने एपिसोड में देखा कि अब शांति और शानी की शादी हो चुकी है। शांति शानी को कहती है कि शानी तुम्हारा मेरे साथ होना इस बात की निशानी है कि प्यार अपनापन जो है वो अपनवा लेता है, क्योंकि हम सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती थी तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हमारी शादी हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ पाकर अपनी पूरी ज़िंदगी हमेशा खुश रहूँगी और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस हो रही है। इसके बाद शानी जो है वो सजीला को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि सजीला अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन हो गया होगा,
क्योंकि तुमने जो जो कुछ कहा है मैंने सब किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर, और ये शांति से शादी भी सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर की है। लेकिन मैं वो कभी नहीं भूलूँगा जो तुमने मेरे साथ किया है, तुमने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। भी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन सजीला जानती है कि अगर शानी जो है वो शांति से शादी ना करता तो उसे हमेशा गरीबों वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, क्योंकि ये सब आसाइशें जो हैं वो शांति की दी हुई हैं। इसीलिए सजीला शानी को मुबारकबाद देती है और फ़ोन बंद कर देती है। इसके बाद शानी जो है वो शांति को कहता है कि आपने मुझे जिस जगह पर बैठा दिया है मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ, आप ये मुझे आप सब ने जो है ये जानकर किया है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ, मेरी और आपकी शादी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी लेकिन फिर भी हो गई है। शादी के अगले दिन जब शानी की माँ शानी से मिलने आती है तो शानी को कहती है कि शानी मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरी सारी गलतियों की सज़ा मुझे इतनी बड़ी दोगे और तुम मुझसे दूर हो जाओगे। जिस पर शानी कहता है कि माँ गलतियों की सज़ा तो मैं भुगत रहा हूँ और वो भी अपनी कि खुद गर्जों की, क्योंकि मेरे अपने ही इतने खुद गर्ज हो चुके हैं कि वो पैसों की लालच में मुझे खुद से दूर कर लिया है, अब मैं उनके पास दोबारा कैसे जाऊंगा। उसकी माँ कहती है कि ऐसा मत कहो शानी, लेकिन शानी कहता है कि माँ ऐसा ही है, मैंने दूसरों की परवाह करते करते अपनी परवाह खो दी है, इसीलिए मैं आज इस नतीजे। और कहता है कि माँ ये सब कुछ मैंने आपकी खातर तो किया है, आपकी आसाइशों की खातर, आपके रहने की खातर, एक घर की खातिर, कारोबार की खातर, इसीलिए तो मैंने शांति से शादी की है, क्योंकि ताकि ये सब कुछ आप लोगों के पास रह सके। और ये सब बातें जो है वो शांति सुन लेती है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अहरामे जो के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है तो वो लोग जो हमारे चैनल पर गए हैं आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हमने एपिसोड में देखा कि अब शानी और शानी की शादी हो चुकी है। शानी शानी को कहती है कि शानी तुम्हारा मेरे साथ होना इस बात की निशानी है कि प्यार अपनापन जो है वो अपनवा लेता है, क्योंकि हम सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती थी तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हमारी शादी हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ पाकर अपनी पूरी ज़िंदगी हमेशा खुश रहूँगी और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस हो रही है। इसके बाद शानी जो है वो सजीला को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि सजीला अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन हो गया होगा, क्योंकि तुमने जो जो कुछ कहा है मैंने सब किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर, और ये शांति से शादी भी सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर की है, लेकिन मैं वो कभी नहीं भूलूँगा जो तुमने मेरे साथ किया है, तुमने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। भी इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन सजीला जानती है कि अगर शानी जो है वो शांति से शादी ना करता तो उसे हमेशा गरीबों वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, क्योंकि ये सब आसाइशें जो हैं वो शानी की दी हुई हैं। इसीलिए सजीला शानी को मुबारकबाद देती है और फ़ोन बंद कर देती है। इसके बाद शानी जो है वो शानी को कहता है कि आपने मुझे जिस जगह पर बैठा दिया है मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ, आप ये मुझे आप सब ने जो है ये जानकर किया है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ, मेरी और आपकी शादी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी लेकिन फिर भी हो गई है। शादी के अगले दिन जब शानी की माँ शानी से मिलने आती है तो शानी को कहती है कि शानी मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरी सारी गलतियों की सज़ा मुझे इतनी बड़ी दोगे और तुम मुझसे दूर हो जाओगे। जिस पर शानी कहता है कि माँ गलतियों की सज़ा तो मैं भुगत रहा हूँ और वो भी अपनी के खुद गर्जों की, क्योंकि मेरे अपने ही इतने खुद गर्ज हो चुके हैं कि वो पैसों की लालच में मुझे खुद से दूर कर लिया है, अब मैं उनके पास दोबारा कैसे जाऊंगा। उसकी माँ कहती है कि ऐसा मत कहो शानी, लेकिन शानी कहता है कि माँ ऐसा ही है, मैंने दूसरों की परवाह करते करते अपनी परवाह खो दी है, इसीलिए मैं आज इस नतीजे। और कहता है कि माँ ये सब कुछ मैंने आपकी खातर तो किया है, आपकी आसाइशों की खातर, आपके रहने की खातर, एक घर की खातिर, कारोबार की खातर, इसीलिए तो मैंने शांति से शादी की है, क्योंकि ताकि ये सब कुछ आप लोगों के पास रह सके। और ये सब बातें जो है वो शांति सुन लेती है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अहरामे जो के आने वाली एपिसोड का रिव्यू। आने वाली एपिसोड में क्या होने वाला है तो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं आइए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। जैसा कि हमने एपिसोड में देखा कि अब शानी और शानी की शादी हो चुकी है।
शान से शानी को कहती है कि शानी तुम्हारा मेरे साथ होना इस बात की निशानी है कि प्यार अपनापन जो है वो अपनवा लेता है, क्योंकि हम सिर्फ मैं तुमसे प्यार करती थी तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन फिर भी हमारी शादी हो गई है, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ पाकर अपनी पूरी ज़िंदगी हमेशा खुश रहूँगी और मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी महसूस हो रही है। इसके बाद शानी जो है वो सजीला को फ़ोन करता है और उसे कहता है कि सजीला अब तो तुम्हें मेरी मोहब्बत का यकीन हो गया होगा, क्योंकि तुमने जो जो कुछ कहा है मैंने सब किया है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर, और ये शांति से शादी भी सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातर की है, लेकिन मैं वो कभी नहीं भूलूँगा जो तुमने मेरे साथ किया है। तुमने आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? वे इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन सजीला जानती है कि अगर शानी जो है वो शांति से शादी ना करता तो उसे हमेशा गरीबों वाली ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, क्योंकि ये सब आसाइशें जो हैं वो शांति की दी हुई हैं। इसीलिए सजीला शानी को मुबारकबाद देती है और फ़ोन बंद कर देती है। इसके बाद शानी जो है वो शांति को कहता है कि आपने मुझे जिस जगह पर बैठा दिया है मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ, आप ये मुझे आप सब ने जो है ये जानकर किया है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस जगह के लायक नहीं हूँ, मेरी और आपकी शादी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं थी लेकिन फिर भी हो गई है। शादी के अगले दिन जब शानी की माँ शानी से मिलने आती है तो शानी को कहती है कि शानी मैं नहीं जानती थी कि तुम मेरी सारी गलतियों की सज़ा मुझे इतनी बड़ी दोगे और तुम मुझसे दूर पहुँचाओगे, जिस पर शानी कहता है कि माँ गलतियों की सज़ा तो मैं भुगत रहा हूँ और वो भी अपनी के खुद गर्जों की, क्योंकि मेरे अपने ही इतने खुद गर्ज हो चुके हैं कि वो पैसों की लालच में मुझे खुद से दूर कर लिया है, अब मैं उनके पास दोबारा कैसे जाऊंगा। उसकी माँ कहती है कि ऐसा मत कहो शानी, लेकिन शानी कहता है कि माँ ऐसा ही है, मैंने दूसरों की परवाह करते करते अपनी परवाह खो दी है, इसीलिए मैं आज इस नतीजे पर, और कहता है कि माँ ये सब कुछ मैंने आपकी खातर तो किया है, आपकी आसाइशों की खातर, आपके रहने की खातर, इस घर की खातिर, कारोबार की खातर, इसीलिए तो मैंने शांति से शादी की है, क्योंकि ताकि ये सब कुछ आप लोगों के पास रह सके। और ये सब बातें जो है वो शांति सुन लेती है।